बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत भूबाफिया का बोलबाला है। बलिया के रसड़ा कोटवारी मोड़ के पास के रहने वाले पीड़ित आसिफ इकबाल ने डीएम और एसपी के दरबार पहुंचकर डीएम एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा कि रसड़ा में दबंग भूमाफियाओं ने दबंगई के बल पर पुश्तैनी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिस पर फर्जी तरीके से सरकारी कर्मचारियों से मिलकर नाम चढ़वाकर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, पीड़ित इससे पहले मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच कर न्याय की गुहार लगा चुका है। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा गोल है और पहुँच वाले हैं। इन भूमाफियाओं पर रसड़ा कोतवाली में फर्जीवाड़े के कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। पीड़ित ने इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकरण को डीएम ने रसड़ा एसडीएम को जांच करने का निर्देश दिया है, मगर पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने बताया कि आरजी नंबर 2874 रकबा 0.283 हेक्टेयर भूमि मौजूद है। यह जमीन बहुत पहले मेरी नानी हजारी बीवी के नाम से थी, जिनकी मृत्यु होने के बाद मेरी माता शमीम आरा के नाम हुआ और मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद वह जमीन हमारे नाम हो गया। आसिफ इकबाल की वरासत भूमि पर वर्ष 2022 में हो चुकी है। इन भूमाफियाओं पर रसड़ा थाने पर फ्रॉड व धोखाधड़ी के मामले में कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसका सरगना जयप्रकाश यादव उर्फ गोपाल यादव, त्रिलोकी सिंह और शशांक शेखर पर मुकदमा दर्ज है। सिरीपति से 229/B का एक मुकदमा दीवानी के स्टे के दौरान एसडीएम के न्यायालय में दाखिल कराकर उसका नाम चढ़वा दिया और कुछ दिनों के बाद ही उसे स्टे के दौरान ही अपनी अपनी पत्नियों गुड़िया, माया, श्वेता, संगीता, जो जयप्रकाश यादव की पत्नी हैं, के नाम रजिस्ट्री करा लिया है। अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से इनका मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। यह लोग मेरे पीछे अपने गुंडे लगा देते हैं और मुकदमे की पैरवी नहीं करने के लिए असलहे के बल पर धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इस प्रकरण में मुझे शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। जी, अपने के नाम और पर्चे बता दें। मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मेरा हाल मुकाम में रहता हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन यहाँ डाक बंगला रोड ढकड़ा पे दक्षिण साइड में है और कुछ भूमाफिया लोग उसको कब्जा करने के साजिश रच गए, क्योंकि विरासत में मेरे नाम पे आ गई। मेरे नानी के नाम पे थी हजरा बीबी, मेरे माँ के नाम सभी मारा, उसके बाद मेरे नाम पे विरासत में आई। कोशिश करके आपके भूमाफिया लोग कब्जा करने के सरगना आपका जयप्रकाश यादव, गोपाल यादव है, लोकेशनाथ सिंह जी और आपका शशांक शेखर, ये लोग पूरा गोल बना करके उसको फर्जी मुकदमा करके उसको विवादित कर दिए हैं और अपने ही एक लोग सिपति को खड़ा करके उसके ऊपर जाली फर्जी मुकदमा करके अपना नाम खतौनी पे चढ़वा करके उसको कब्जा करने की कोशिश में है। कितने जमीन जमीन है वो? पूरा जमीन कितना है? करीब करीब आपका 70 डेसिमल के आसपास जमीन है। उन्होंने कितने जमीन पर अपना नाम चढ़वाया है? उन्होंने ये पूरे जमीन पर नाम चढ़वाया है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ आपका रसड़ा में कई मुकदमे उनके दर्ज हैं। और किस मामले में? इसी फर्जीवाड़े में कई बहुत चाकूनी 420 के कई सेक्शन। अभी वर्तमान में किसका नाम है खतौनी में? वर्तमान में तो देखिए मेरा नाम है। वो लोग फर्जी तरीके से अपना पति को खड़ा करके फर्जी रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लिया और कब्जा करने। जब आपके नाम से जब जमीन है तो उनका नाम कैसे करोगे? फर्जी मुकदमा किया उन्होंने। अच्छा, फर्जी मुकदमा किया अपना एक आदमी को खड़ा करके, अपने समझिए 229B का मुकदमा करके उसके नाम से करके फर्जी अपने फैमिली और बीवियों के नाम पे अपने रजिस्ट्री करा लिया उन्होंने और अब वो दावा करते हैं कि मेरी जमीन है। तो इसको लेकर आपने कहाँ कहाँ गया? किसको आप? यही अपेक्षा है प्रशासन में, हर जगह जाके हम लोग पत्र से सबको आगाह कर रहे हैं कि भाई हमको कहीं से मदद मिले। उन लोगों की तरफ से हमारे ऊपर दबाव आता है कि हम पैरवी भी ना करें और आपका छोड़ दे, जान का हमला हो रहा है। किस तरह का वो धमकी देते हैं आपको? भाई आप छोड़ के भाग जाइए, मत आइए, आप यहाँ जान का धमकी देते हैं, पैरवी नहीं करें। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अभी हाल में कम कलकत्ता में रहता हूँ और कानपुर में रिश्ते मिले हैं। अभी आप किसके आए थे? आप जिला अधिकारी साहब के आए थे, उनके हमने मदद की गुहार लगाई है कि भाई जो न्याय मिले हमको।
क्या उन्होंने आश्वासन, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको फुल सपोर्ट हम प्रशासन के तरफ से मिलेगा और हमको पूरे उनसे न्याय की उम्मीद है। क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि जो सही हो वो सामने आ जाए और जितने भी इस तरह के लोग हैं उन लोगों को प्रशासन कड़ा से कड़ा अपना एक्शन ले। कब से ये परेशान कर रहे हैं लोग? ये आपका समझिए 2003 से 2004 साल हो गया, 3-4 साल कोरोना में, और इन लोग का मनोबल बढ़ गया, आना जाना जो जैसा हालात हो गया उसमें मनोबल बढ़ गया। यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।